तो हेलो गाइस, मेरा नाम कार्तिक है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कागज़ और कलम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल इवेंट। एंड जो लोग मुझसे पहले आए थे उन्होंने बहुत अच्छा सुना है, तो आई डोंट थिंक कि मेरा उसके बराबर कुछ होगा। सो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ शेर से, फिर कुछ शॉर्ट पोएट्रीज और फिर एक बड़ी पीस पे आऊँगा। अरे तुम कह ढाते हो, अरे तुम कह ढाते हो, पहले इश्क कहते हो और फिर मुकम्मल बताते हो। अरे तुम कह ढाते हो, पहले इश्क कहते हो और फिर मुकम्मल बताते हो। और क्या आज भी जिक्र करती हो रकीब से मेरा, क्या आज भी जिक्र करती हो रकीब से मेरा, और फिर मेरी यादों से उठी बेचैनियों को नफरत बताती हो। ये मलाल की, गरना चाहत होती तो ना गिला होता, गरना चाहत होती तो ना गिला होता, गौर तलब है कि फिर किस बात का गुमा होता। और तेरे तसव्वुर को यूं तो मुकर जाते हम, तेरे तसव्वुर को यूं तो मुकर जाते हम, पर सोचते हैं फिर जीने में इससे ज्यादा क्या गुनाह होता। जिसकी हर रात सोचता हूं कि इस बात की सजा क्या है। एक बात समझिए कि एक तो ये कि हम वादे बहुत करते हैं और रिश्ते टूटने का बहुत बुरा लगता है कि सारे वादे टूट जाते हैं, लेकिन उसमें अभी हम कहीं होते हैं। और धुआं आग से ही निकलता है, अगर आग ख़त्म हो चुकी है तो धुआं भी नहीं निकलेगा। बात अब तक पहुंची तो समझिएगा कि हर रात सोचता हूं कि इस बात की सज़ा क्या है, गर महज नफरत है तेरे मेरे दरमियाँ तो इश्क ने बचा क्या है। कि हर रात सोचता हूं इस बात की सज़ा क्या है, कि गर महज नफरत है तेरे मेरे दरमियाँ तो इश्क ने बचा क्या है। इन वादों के मलबे में आज भी एक शख्स जिंदा है, गर तबाही है इश्क की फितरत तो ये रजा क्या है। और हर रोज जो मैं उन तस्वीरों पर हाथ फेरता हूँ, वो हर रोज जो मैं उन तस्वीरों पर हाथ फेरता हूँ, गर खाक हो गए हैं सब यादों के खत तो ये धुआं क्या है। और एक शख्स जो हमारी जिंदगी में कुछ कुछ पल के लिए आता है और बस हवा हो जाता है, उसके लिए कि जिसकी याद में मैं सोया नहीं अब तक, ताजुब है वो शख्स जागा नहीं अब तक। जिसकी याद में मैं सोया नहीं अब तक, ताजुब है वो शख्स जागा नहीं अब तक, पहली मुलाकात में खत थमा कर रुखसत हो गया, हैरत है उससे ज्यादा कोई याद आया नहीं अब तक। जिसकी जुल्फों में हम ताउम्र उलझे रहे, अरसा हो गया वो झगड़ा सुलझाने आया नहीं अब तक। और जिसकी चाहत में ये दिल काफिर हो गया, मौत आ गई पर उसके दुआ में जिक्र मेरा आया नहीं। एक एक बहुत अपने जो जज्बात होते हैं बहुत भारी होते हैं, हम रोते हैं तो वो बहुत भारी जज्बात होता है। और एक बादल का गरजना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी खामोशी बादल को बयां कर दूँ तो उसका गरजना मेरी उस खामोशी को बयां करता है। ये सुनेगा कि धीमी धीमी आँच पर ये इश्क मेरा सुलगता रहा, धीमी धीमी आँच पर ये इश्क मेरा सुलगता रहा, रूह के बंधन सहम क्या गए जिस्म रात भर करवटें बदलता। धीमी धीमी आँच पर दिल में इश्क मेरा सुलगता रहा, रूह के बंधन कुछ सहम क्या गए जिस्म रात भर करवटें बदलता रहा। पलकों के दरवाजे तो थम गए थे मगर आंसू का कारवां शब भर गुजरता रहा। और एक बादल से बयां की थी कुछ खामोशियां मैंने, एक बादल से बयां की थी कुछ खामोशियां मैंने, पागल शहर तक गरजता रहा। एक पोएट्री की, गुजर गई है शाम मैखाने में, गुजर गई है शाम मैखाने में, इतना वक्त लगा है जिंदगी नूर आने में, हम इंतजार करते करते रिश्तों से निकल गए, इतना वक्त लगा उन्हें रिश्ता निभाने में। या आज के हालात पे कि छोटी सी बात थी और कत्ले आम मच गया, छोटी सी बात थी और कत्ले आम मच गया, एक उम्र लगी हमें उन्हें अमन समझाने में, और इसके बाद फिर कभी वो सुकून नहीं देखा। ये उन सबके लिए जो एक बहुत बड़े टाइम में रिलेशनशिप में थे और लोग उनको बोलते हैं कि लाइक गेटिंग टू अ रिलेशनशिप अगेन, कि उसके बाद फिर कभी वो सुकून नहीं देखा, फर्क है मियां इश्क में और दिल बहलाने में। और वो खत जो खून की स्याही में थे लिपटे हुए, वो खत जो खून की स्याही में थे लिपटे हुए,
कमबख्त ज़हन कांप गया हमने जला। थैंक यू मच। एक मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी कोई बात करूं, एक लास्ट लाइन है मेरी पोइट्री की, अगर आप लोग बोलेंगे तो आपको पोइट्री में मज़ा आएगा। फर्स्ट लाइन समझाया किस पॉइंट आपको बोलना है कि इस नैया को पार लगाए अब किससे अरदास करूं, तेरी भी आंखें भर आए ऐसी कोई बात करूं। कुछ शब्दों में कुछ लफ्जों में कह दूं ये वो बात नहीं है, तेरी भी सांसें थम जाए ऐसी कोई बात करूं। ना हम समझे ना तुम समझे, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, तेरी तुमको भी कुछ रास में आए ऐसी कोई बात करूं। और सांसों में है एक बवंडर, रिश्तों की कब्रें हैं अंदर, सांसों में है एक बवंडर, रिश्तों की कब्रें हैं अंदर, जख्म तेरे भी कुछ भर जाएं ऐसी कोई बात। और ये उन लोगों के लिए जिसे हमें पता होता है कि सपोजिंगली हम एक ऐसे इंसान के साथ कभी मेल फीमेल रिलेशनशिप में आए हैं जो काटता है, ठीक है, एंड एवरीवन नोज इट, एंड देन दे कम टू नो कि तुम्हारा भी कट चुका है, बट स्टिल दे विल कीप क्वेश्चनिंग यू। तो ये बात समझिए कि लगता है खुद की परछाइयों से भी रूठ गया हूँ, सबको जोड़ते जोड़ते खुद इस कदर टूट गया हूँ, और हालात के जलजले का भी गजब कहर है, महज तुझे बचाने में लग गया हूँ। अब इन किनारों की बस्तियों से क्या उम्मीद लगाऊं जब तुझे सीने से लगा कर मैं डूब गया हूं, और शमा की फितरत है सबको खाक करने की, मैं पहला हूं जो तुझे छू कर भी महफूज गया हूं। और अजीब साकरी चेहरे की अजीब रिवायत है जंगल की मुझे हैरान करती है, अजीब रिवायत है जंगल की मुझे हैरान करती है, तुझसे वाकिफ है और पूछती है कैसे डूब गया हूं। एक कुछ नया एक स्टाइल मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर समझ में आए तो, ये अभी जो हालात चल रहे हैं मजहबों के लिए उसके ऊपर भी है, एक हमारी डेली लाइफ के ऊपर भी है, अगर आप तक पहुंचे बात तो। इसमें एक अजीब राइमिंग है कि उजड़ती शाख के पत्ते बड़े हैरान है पत्ते, कि कैसे ताकते खामोश दूजी शाख के पत्ते, है गम में त्रास ये पत्ते, बेहद उदास ये पत्ते, बदलते रंग शाखों के बहुत नादान ये पत्ते, बिखरता साज ये पत्ते, खुद से नाराज ये पत्ते, फिरंगी वात में खोजे हैं मददगार ये पत्ते। और एक लफ्ज है किताबों जिस मतलब बुक ऑफ लाइफ, कि कुछ पल को साथ हैं पत्ते फिर आभास हैं पत्ते, ताउम्र मौन रह जाते हैं किताबों जिस्त में पत्ते। थैंक यू सो मच। एक ये पोइट्री, मेरा ये मानना है कि कई सिचुएशंस ऐसी आती हमारी रिलेशनशिप फाइट्स के अंदर कि हम लोग कॉल काट देते हैं गुस्से में आके, ब्लॉक कर देते हैं, सब खत्म हो जाता है, दैट्स अ टाइम कि मैं मानता हूँ कि वो सिचुएशंस दरिया की तरह है, हमें नहीं पता कि वो दरिया कहाँ जाएगी, समुंदर यानी कि और बुरी सिचुएशंस या फिर छोर यानी कि अ पॉजिटिव साइड, और हम इसमें जंतु जंत में खुद से जुड़े थे क्या करना है क्या करना है कैसे होगा, एंड सडनली वी रियलाइज कि अभी वी आर नॉट एट द एंड ऑफ अ पॉइंट, अभी हम लाइक वी कैन स्टिल डू समथिंग अदर एल्स। की स्याही पर आंसू है तेरे, खत पर मेरा नाम है, अंगारों पर जिस्म सुलगता हाले दिल अनजान है, एक मोहब्बत एक सितंबर और उसने भी खसारा है, कुछ लफ्जों में कैसे सिमटे जो ये हाल हमारा है, बेसब्री है दिल जख्मी है आंखों में बेजारी है, मलहारों से रब्त पुराना सागर की अयारी है, कुछ नाविक है कुछ सादिक है और यहाँ कुछ गोताखोर, ये वो लोग हैं जो हमारे रिलेशनशिप के बीच में खींचा करते हैं कि बेसब्री है दिल जख्मी है आंखों में बेजारी है, मलहारों से रब्त पुराना सागर की अयारी है, कुछ नाविक है कुछ सादिक है और यहाँ कुछ गोताखोर, और है फिर दरिया का पानी कभी समंदर कभी है छोर, एक भंवर तेरी यादों का हर पहर कहर कर देता है, तेरी तस्वीरों पे रोके दिल ये बसर कर लेता है, कैसी ये तस्वीर बनी है
हाथों की लकीरों से, रिश्तों में एक जंग चली है बैर हुई शमशीरों से। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जब हमारी किसी अपने से लड़ाई होती है तो उनको पता होता है कि उसको पता है हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, और हमें तो बहुत डर लगता है कि कैसी ये तस्वीर बनी है हाथों की इन लकीरों से, रिश्तों में अब जंग छिड़ी है बैर हुई शमशीरों से। बाजी एक शमशीर की खेली, बाजी एक शतरंज की खेली, पुर्जा पुर्जा दाव पे है, साथी की मुस्कान बताती बैरी का मन खाओ पे है। अब हर पर संदेह नहीं है, अब हर पर विश्वास नहीं, सागर की अय्यारी देखी मल्हारों से आस नहीं। बेबस है बेगैरत है हम खुद पर ही शर्मिंदा है, पर दरिया का पानी कहता खुद में अभी हम जिंदा हैं। एक लास्ट शेर और ख़त्म करता हूँ, ये उसके नाम जिसके नाम ये सारी पोएट्रीज हैं। ख्वाहिशों के शहर में कभी ये हालात हो, ख्वाहिशों के शहर में कभी ये हालात हो कि खुदा कहर करे और कयामत में तू मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच।